हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं नियो वल्टे की ट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है और आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आधार कार्ड की नई भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं, जिसका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। दोस्तों, आधार कार्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली जा रही है, सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अप्लाई जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा रही है, बिल्कुल सीधी भर्ती है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा। ऑल ओवर इंडिया की जॉब है, यानी कि इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से शिकायत भी रहती है, आप वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, रोजाना प्रकार सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आज ही हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे से लाल बटन को दबाएं, साथ ही साथ घंटी का बेल आइकन जरूर दबाइएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि आधार कार्ड की तरफ से नई वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आधार कार्ड की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। यानी कि 10वीं क्लास पास से लेकर के 12वीं पास और एनी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई आपसे एप्लीकेशन फीस ली जा रही है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। सैलरी आपको 23,500 से लगभग 62,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, आधार कार्ड की इस वैकेंसी के लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने में, यानी कि स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। तो चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों, अधिक जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर tipsviralbuzz.xyz पर। दोस्तों, आज ही हमारी वेबसाइट पर जाएं और अप्लाई करें। दोस्तों, आप हमारी इस नई वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, neovoltaic.co.in पर भी। यहां पर भी आपको डेली बेसिस पे नई वैकेंसी की अपडेट दी जाती है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आधार कार्ड की नए पोर्टल की तरफ से। और यहां पर आप देख सकते हैं 17 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो 17 मई से पहले आपको अप्लाई करना होगा। यहां पर आपको पूरा एड्रेस भी दे रखा है, साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी यहां पर दिया गया है। इस फॉर्म को आपको कैसे भरना है, कहां पर जमा कराना है, कंप्लीट जानकारी आपको देंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, बाकी सभी जानकारी के लिए सीधा आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नई वैकेंसी है। फ्रेंड्स, यहां पर मल्टीपल जॉब्स आ चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रीजनल ऑफिसर की पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की है, डिप्यूटी डायरेक्टर की है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, बैंक डायरेक्टर की है, अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, असिस्टेंट की है और भी अदर वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा इस भर्ती को निकाला जाता है, संचालित किया जाता है, ठीक है। अप्लाई आप चाहे तो ऑफलाइन कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने नोटिफिकेशन आपको दिखाया, इसके लिए केवल आपको बाय पोस्ट ही ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। वहीं दोस्तों, कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी प्रोसेस हम आपको आगे बताएंगे कैसे आपको अप्लाई करना है। दोस्तों, इस वैकेंसी की पूरी जानकारी और आवेदन करने का लिंक मिलेगा uidai.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आप जाकर के वैकेंसियों की जानकारी ले सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। ऑल इंडिया की कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है यहां पर, तो ऑल ओवर इंडिया की ये जॉब है, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई जरूर कीजिएगा। वहीं दोस्तों, सैलरी आपको यूआईडीआई के रूल्स के मुताबिक मिलेगी, यानी कि हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी का क्राइटेरिया है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है, एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है सभी कैंडिडेट्स के लिए। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री पास, पोस्ट ग्रेजुएट पास, सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए दोस्तों, आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा और यहां पर आप देख सकते हैं डिप्यूटेशन और कॉन्ट्रैक्ट, यहां पर फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने वैकेंसी आ जाएगी और यहां पर आप देख सकते हैं 17 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो 17 मई से पहले अप्लाई जरूर कीजिएगा। यहां पर और भी वैकेंसी है जिसके लिए अलग अलग लास्ट डेट है, जैसे कि 2 मई है, 6 मई है, 9 मई है, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग लास्ट डेट है। अलग अलग नोटिफिकेशन का लिंक यहां पर दे रखा है, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो दोस्तों, यहां पर आप मान लीजिए इस नोटिफिकेशन को क्लिक करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहां पर आप क्लिक कर दीजिए, आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको भरना है और बताए हुए एड्रेस पर। यहां पर पूरा आपको एड्रेस भी दे रखा है और 17 मई से पहले आपको यहां पर फॉर्म भर के सबमिट करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, कौन कौन सी पोस्ट है यहां पर, क्वालिफिकेशन क्या है, यहां पर क्या लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं, अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी आती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अपर एज लिमिट कितनी है, 63 है, ठीक है। तो अगर आप 63 तक के भी हैं, 18 से 63 साल तक की
आपकी एज है तो आप अप्लाई जरूर कीजिएगा। कंसल्टेंट की पोस्ट यहां पर दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है, कंसल्टेंट की पोस्ट है, फाइनेंस में भी है और अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर डिसिप्लिन में है। यहाँ पर काफी सारी वैकेंसी आपके सामने आ चुकी है, आज ही अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड नंबर का लिंक है प्रोफेशनल टेक्निकल, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए और यहाँ पर आपके सामने ड्रॉप सीवी का ऑप्शन आएगा। साइड बार में आपको ड्रॉप सीवी का बटन मिलेगा, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा और इस फॉर्म को भर दीजिएगा और रिज्यूमे अपलोड करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। वहीं दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पर काफी सारी जॉब्स निकल कर आ रही है, आप देख सकते हैं, इनके लिए आपको केवल ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की अपडेट। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सिटी के बारे में जरूर बताइएगा कि आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि आपके आसपास की वैकेंसी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।